देखो बेटा, हम जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे थे, और जो है यहाँ एक्सरसाइज 2.2 जो है वो चली हुई थी। हम फोर्थ क्वेश्चन पे थे, फोर्थ कर लिया था, अब आगे फिफ्थ हैं। तो ये फार्मूले जो है ये बहुत जो है ज़रूरी हैं। कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, लिखवाया भी था। इनका जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। इनको तो टिप्स पे कर लो, अपने सोते वक्त, उठते वक्त, दिन में, बीच में, अपने जो है इनको बार बार रिवाइज करो। ये जो है आपके बहुत बढ़िया हथियार भी बनेंगे, और एक बहुत बढ़िया जो है आपके जो है ना का सहयोग करेंगे। पढ़ाई आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी, प्लस टू की तो खासकर, फिर आगे मार नहीं खाओगे। तो अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखें हम। यहाँ पे टेन इनवर्स, मैं अब इन सब को वाई लिया करूँगा, तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी हमने वाई लेना है। रूट ऑफ 1 + x² -1 और डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हमें सभी को। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सिंपलेस्ट जो है फॉर्म में हमने करना है। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन के अंदर बताया था कि 1 + x² हो तो आपने x को क्या रखना है, टेन थीटा रखना है। 1 - x² हो तो x को साइन थीटा, 1 + x² हो तो x को टेन थीटा, और x² - 1 हो तो x को सीकेंट थीटा। तो देखते हैं क्या होगा ये। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, हमने एडजस्टमेंट ऐसी करनी है, अंदर जो है वो टेन आए, टेन इनवर्स है तो टेन आए, कॉस इनवर्स है तो कॉस आए, तब वो सिंप्लीफाई होगा। तो रूट ऑफ 1 + tan² θ -1 और डिवाइडेड बाई टेन थीटा, क्योंकि एक्स को हमने क्या रखा है यहाँ पे, टेन थीटा, ऊपर x² का tan² θ हो गया, ये टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 + tan² जो है वो क्या होता है, secant² θ। फार्मूले जो है उनमें मैंने लिखवा रखा है, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट जो है वो स्क्वेयर से कट जाएगा, तो वी गेट टेन इनवर्स secant θ -1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। जब भी secant tan को हरपाल, मैं क्लास ले रहा हूँ, एक बार ऑनलाइन मैं करूँगा आधे घंटे के बाद। सॉरी बेटा, बीच में फोन आ गया था। तो जहां भी सीकेंट थीटा जो है होगा, टेन थीटा होगा, इनको हम साइन कोस में बदल देंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। साइन कोस में तोड़ लेते हैं, मैंने 10वीं में भी, जैसे जब बच्चे पढ़ते हैं या +1 में ट्रिग्नोमेट्री में, जहां भी है, जहां सीकेंट आता है, जहां पे कोसीकेंट आता है, जहां पे कोस आता है, टेन आता है, तो सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो कोई ना कोई अपने आप जो है रास्ता निकल आएगा। यहाँ पे टेन इनवर्स जो सीकेंट है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 / cos θ -1 और डिवाइडेड बाई sin θ / cos θ। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर जो है cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 / cos θ -1 है तो cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - cos θ और डिवाइडेड बाई sin θ / cos θ।
तो ये कॉस कॉस से कट जाएगा, तो वी गेट टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले मैंने बताए थे, प्लस टू में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जहाँ भी कहीं 1 माइनस कॉस टू थीटा आएगा, हम 2 sin² थीटा लिखेंगे। लेकिन यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आया है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 sin² थीटा बाई 2। और जहाँ पे sin² थीटा आएगा, वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 sin θ cos θ। यहाँ पे साइन थीटा आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 sin θ बाई 2 cos θ बाई 2। तो ये जो फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा यूज होंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 5 बार 2 sin² थीटा बाई 2, जो भी एंगल होता है उसका आधा। नीचे हो गया 2 sin θ बाई 2 cos θ बाई 2। तो 1 sin θ बाई 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू। टेन इनवर्स टेन से कट जाएगा, आपका आ गया थीटा बाई टू। थीटा की वैल्यू वापस रख दें, थीटा को आपने क्या, सेक्स को क्या रखा था, टेन थीटा। तो थीटा क्या आएगा यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स। तो आपका जो है ये क्वेश्चन हो गया 1/2 tan inverse x। तो वी गेट फाइनली वाई इज इक्वल टू 1/2 tan inverse x। अब आप, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नंबर मिलेंगे और ये हेल्प करेगा आपके डिफरेंशिएशन में भी। वो कहेगा डिफरेंशिएशन के लिए क्या कहेगा, वो आगे डिफरेंशिएट दिस क्वेश्चन। वो कहेगा डिफरेंशिएट दिस, तो उसके लिए पहले हमने उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन आसान रहेगा, उसका मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है बहुत ही ज़रूरी है ये चैप्टर, बहुत रीढ़ की हड्डी है इस जो है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√ x² -1। तो मैंने कल सब्स्टिट्यूशन में बताया था, जहाँ x² -1 आएगा वहाँ पे x को आपने क्या रखना है, सीकेंट थीटा। तो वी गेट टेन इनवर्स 1/√ sec² θ-1, टेन इनवर्स 1/, अब sec² θ-1 क्या होता है बेटा, tan² θ। ये फार्मूले हैं, उन्हीं में लिखवा रखा है मैंने। स्क्वेयर और जो है ये रूट, स्क्वेयर और रूट कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/10 θ। अब 1/10 θ क्या होता है, कोट थीटा। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये आ गई, टेन इनवर्स था बाहर और अंदर है कोट। ये सिचुएशन कई बार आएगी, जब कंप्लीमेंट्री आमने सामने हो, तो हम क्या करते हैं, कोट को टेन में बदल लेते हैं, साइन और कॉस भी हो सकते हैं। तो वहां पे कॉस को हम साइन में बदल लेंगे, सीकेंट और कोसीकेंट हो तो उनको भी चेंज कर सकते हैं जो कंप्लीमेंट्री है। तो टेन इनवर्स टेन ऑफ 90 - θ होगा, लेकिन आपने 90 को कम यूज करना है, रेडियंस को ज्यादा यूज करना था। 90 की जगह क्या लिखेंगे, π/2 - θ। अब टेन इनवर्स और टेन ये एक दूसरे के जो है इनवर्स होते हैं, तो ये कट सकते हैं। तो कितना आ गया ये, π/2 - θ। तो वाई आया आपका π/2 - θ।
पाई बाय टू थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा क्या हो जाएगा, जब एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा है तो थीटा आपका क्या होगा, सीकेंट इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स। तो फाइनल आंसर आपका ये है वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, ये सिंप्लीफिकेशन इसका। अब एक तो ये कहे भी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये इजी है। तो पहले हमने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वहाँ भी, जब ये क्वेश्चन आएगा तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ भी दे रखा है, यहाँ पे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। अब सेवन्थ क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कोस एक्स और डिवाइडेड बाई वन प्लस कोस एक्स। अभी मैंने बताया था जहां पे वन माइनस कोस आता है तो टू साइन स्क्वेयर में बदल जाएगा, बस एंगल का आधा हो जाएगा, यानी कि जैसे वन माइनस कोस एक्स है इसकी जगह क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स की जगह टू साइन स्क्वेयर, वन माइनस कॉस हो तो टू साइन स्क्वेयर। बेटा ये ब्लर्ड सा दिखाई दे देता है कई बार, तो टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, एंगल का आधा। अगर वन प्लस कॉस एक्स है तो टू कॉस स्क्वेयर। अब ये बात अपनी पक्की जो है कर लो, जब भी कभी वन माइनस कॉस आएगा तो टू साइन स्क्वेयर जो भी एंगल होगा उसका आधा, वन प्लस कॉस हो तो टू कॉस स्क्वेयर और जो भी एंगल होगा उसका आधा। ये कई बार ये कहेगा वन माइनस कॉस थ्री एक्स, तो क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वेयर और जो एंगल है उसका आधा, थ्री एक्स बाई टू। समझ आ रही बात, तो इस फैक्ट को यूज करेंगे हम, टेन इनवर्स वन माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, वन प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा टू कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, दो से दो कट जाएगा, टेन इनवर्स और अंदर आ गया साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। अब स्क्वेयर रूट जो है वो स्क्वेयर से कट जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका एक्स बाई टू। तो वाई एक्चुअली एक्स बाई टू है, डिफरेंशिएशन में क्या कहेगा डिफरेंशिएट दिस, तो इसको डिफरेंशिएट करना महाभारत है, और वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन वन बाई टू होगा, जो साइंस ले रहे हैं वो जानते हैं डिफरेंशिएशन मोटा मोटा उन्होंने किया होगा। तो ये है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बेटा। अब क्वेश्चन नंबर है आठ, आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है, प्रिया आवाज आ रही है बेटा, ज्वाइन होगी। प्रिया ज्वाइन होगी कि नहीं हुई अभी, नहीं वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। रवि ज्वाइन हो गया भाई, आवाज आ रही है बेटा। अरे कहाँ गया, फोन को रख के सो तो नहीं गया, अजय आवाज आ रही है। हाँ बहुत लेट ज्वाइन करता है भाई, तू क्या करता रहता है। एट्थ क्वेश्चन देखो, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स।
तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब इस सब्स्टिट्यूशन वगैरह के लिए कुछ नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन, तो हम कॉस को कॉमन लेंगे यहाँ ऊपर से, तो क्या आएगा, वन माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा। समझ लो इस बात को, कॉस एक्स बाहर ले लिया, यहाँ तो वन आ गया, साइन एक्स में कॉस था ही नहीं, तो नीचे लिखना पड़ेगा ऐसा ही नीचे। यहाँ जो कॉस एक्स है इसको मैं बाहर लिख लूँगा, तो क्या आएगा, वन प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस से कॉस कट गया, ये हो गया टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स। ये फार्मूला मैंने कल लिखवाया था, वन माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एक्स, ये होता है टेन फोर्टी फाइव माइनस एक्स, पाई बाई फोर माइनस एक्स, और ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो क्या हो जाएगा, टेन फोर्टी फाइव प्लस एक्स, यानी कि पाई बाई फोर प्लस एक्स। तो ये किसका फार्मूला हो गया, टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, टेन इनवर्स टेन से कट जाएगा, तो आंसर आपका पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो ये आंसर है। अब डिफ्रेंशिएशन में कहेगा इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करके करोगे ये एक का ही हो जाए, एक स्टेप का ही माइनस वन हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हम हर एक क्वेश्चन जो है करेंगे, ताकि जो है आपके सारे डाउट्स जो है वो दूर हो जाएं, और जो है कोई हेजिटेशन ना रहे, और कॉन्फिडेंस जो है आपका और डेवलप हो। अब क्वेश्चन नंबर है छः, ये है बेटा y इज इक्वल टू नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ सॉरी, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसने ब्रैकेट में साइड में लिखना पड़ा है यहाँ मोड ऑफ x लेस देन a, ये क्यों लिखा, क्या कारण है इसका, कोई भी बताए मेरे को। नवीन बता भाई, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और मोड ऑफ x लेस देन a लिखा है इसने, क्यों, बेटा कहीं भी मैथमेटिक्स में कहीं भी जो है, खासकर 10 प्लस 2 में तो बिल्कुल, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये दो ही बातों का ध्यान रखना है, और डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कहीं 1 बाई एक्स लिखेगा तो कोमा लगा के उसने लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर 1 अपॉन x प्लस 1 लिख दिया तो साइड में लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि वो इसको जीरो कर देगा। डोमेन और रेंज निकालने के लिए इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो डोमेन और रेंज जो हम कुछ फंक्शंस के निकालेंगे बताएंगे तब ये बात आएगी सामने, और रूट के अंदर नेगेटिव आते ही क्या हो जाएगा, आयोटा डेवलप हो जाएगा, तो हम रियल नंबर से बाहर चले जाएंगे, तो आयोटा जो है वो कम्प्लेक्स आगे इमेजनरी नंबर्स और कम्प्लेक्स में आता है। तो पूरे प्लस टू में रूट जहाँ होगा वहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जहाँ डिनोमिनेटर है वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, दो ही बातों का है खेल पूरा, यही डोमेन निकालने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर था, रूट था, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए एक्स को छोटा होना पड़ेगा ए से, क्योंकि छोटा बड़े में से घटेगा तभी पॉजिटिव रहेगा, और इक्वालिटी का साइन नहीं लिया क्योंकि जीरो होने का भी खतरा हो सकता है डिनोमिनेटर में ही। ठीक है,
तो अब हमारा क्वेश्चन तो इतना ही है, ये तो इसने प्रीकॉशंस के तौर पर लिख रखा है। मैंने ये बताया था जब ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो क्या रखना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो क्वेश्चन क्या रह जाएगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स को रख दिया ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वेयर। तो ये हो गया ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, अंदर कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा और रूट ऑफ ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर, टेन इनवर्स भी था ये। ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, ए से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, ये इससे कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा। थीटा यहाँ से निकाल लो, हमने पुट क्या किया था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ एक्स बाई ए, और थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा आंसर आया हुआ है तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई, ये आंसर। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर थ्री ए एक्स स्क्वेयर। तो टेन इनवर्स है, हमने टेन बनाना है और ये किससे मैचिंग हो रही है, टेन थ्री थीटा से। तो एक्स को हम क्या रखेंगे यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ये टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वेयर ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा उसका क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब ब्लर्ड हो रहा है बेटा, एक बार क्लियर आ, थ्री ए एक्स स्क्वेयर ए टेन थीटा और उसका अनिल भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में करूंगा। ए टेन थीटा उसका स्क्वेयर, तो क्या आएगा बेटा, टेन इनवर्स थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब थ्री ए क्यूब और टेन स्क्वेयर थीटा। तो ए क्यूब कॉमन आगे कट जाएगा सब में से, बाहर लेके काट सकते हैं, यहाँ से सीधा भी काट सकते हैं अगर सब मिले तो। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर थीटा। ये किसका फार्मूला होता है बेटा, टेन थ्री थीटा का। तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा
ये टेन इनवर्स टेन से कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 3 थीटा। तो वाई इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो टेन थीटा आपका क्या होगा, एक्स बाई ए। और थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई। तो ये हो गया 3 tan inverse x by, यानी कि y इज इक्वल टू 3 tan inverse x by। फिर समझ लो, यहां पे था y इज इक्वल टू 10 inverse 3a square x minus x cube a cube minus, तो ये tan 3 थीटा का एनालॉग है, उसके समरूप है। तो x को हमने रख दिया a tan थीटा, ताकि a की पावर इक्वल होके सब में कट जाए। तो यहाँ पे क्या रह गया, 3 tan थीटा minus 10 cube थीटा 1 minus 3 tan। ये किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का, tan इनवर्स 10 से कट गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस आ गई, दैट्स ऑल। उसके बाद 11th क्वेश्चन, हमारे पास है tan ऑफ tan इनवर्स किसका, 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो यहां पे जो है 2 sin इनवर्स x का एक फार्मूला था कि साइन इनवर्स 2x और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 2 साइन इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जो 2 है ये, और 1/2, एक्स की जगह आपका क्या है 1/2, और रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 1/4। तो वी गेट साइन इनवर्स रूट 3/4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3/2। तो हमारे पास जो है टेन इनवर्स 2 कोस और ये 2 साइन इनवर्स इन बाई टू, ये कितना हो गया साइन इनवर्स रूट 3/2। फिर समझ लो इसको, क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स हाफ। 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन इनवर्स हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख दो 2 इंटू 1/2 और रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये रूट 3/2 आ गया। अब साइन वाली लाइन में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, बता भाई अजय, कल टेबल की थी ना नवीन, बता। हाँ, रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन वाली लाइन में, सिक्सटी डिग्री की होती है भाई, टेबल याद होनी चाहिए, फिर फायदा क्या होगा। तो साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 जो है 60 होता है, कॉस 60 कितना होता है नवीन बता, 1/2, वेरी गुड। टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, टेन इनवर्स 1 आ गया। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी निधि बता बेटा, बोल बेटा, पाई बाई, वाई जिससे पूछा था वही बताए, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। 12th क्वेश्चन,
वाई इज इक्वल टू कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कितना होता है, वो भी पाई बाई टू। समझ आ रही बात? तो कोट ऑफ कितना हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। तो कोट पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन टेन पाई बाई टू। टेन पाई बाई टू की कितनी होती है, टेबल से बताओ, दिव्या बताएगी। एक था नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी होती है बेटा, और वन बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को से बहुत बड़ी संख्या से जब एक को भाग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका आंसर है जीरो। एकता कर लिया ज्वाइन बेटा, एक तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बेटा। 13th क्वेश्चन देखो, टेन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टेन हाफ साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर। आगे कंडीशंस लिख रहे हैं, कंडीशंस वो मैंने बता दिया, डिनोमिनेटर और उसके हिसाब से होती है। अब इस क्वेश्चन में बेटा देखो, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। एक्स को हमने टेन थीटा रखना पड़ेगा और वाई को जो है टेन फाइव। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और वाई इज इक्वल टू टेन फाइव, क्योंकि ये तो साइन टू थीटा फार्मूला हो जाएगा, ये कॉस टू थीटा का, कॉस टू फाई का फार्मूला हो जाएगा। फिर आगे करते हैं, वाई इज इक्वल टू, ये फार्मूला में मैंने लिखवा रखे हैं, ये साइन टू थीटा वाली लाइन में, साइन इनवर्स टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वेयर फाई और वन प्लस टेन स्क्वेयर फाइव। तो वी गेट टेन वन बाई टू साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस टू फाइव। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो टेन वन बाई टू टू थीटा प्लस टू फाइव, दो कॉमन आके कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस फाइव। और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन फाइव और डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव। टेन थीटा को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स। तो वाई क्योंकि इसमें शामिल है तो वाई ना रखो बेटा, इसको इसको जेड रख लो कोई भी। तो वी गेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स। फोर्टींथ क्वेश्चन, साइन एक्स निकालना है हमने यहां पे और दिया हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू वन। तो देखो बेटा, साइन है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स वन हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन से कट गया तो क्या आ गया, साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई, साइन इनवर्स वन कितना होता है भाई, पाई बाई टू। तो कॉस इनवर्स, यहां पे कॉस इनवर्स एक्स जो ये क्या हो गया, पाई बाई टू
और माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो इसको वापिस उसी में रखो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/5। साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है बेटा? कौन बताया? दिव्या बताएगी।